to the channel chaitrizy online please subscribe the channel and press the bell icon dear students of class 3 today's chapter is help me to be this is a poem and i am going to give knowledge about this poem listen to me इटरनल एंड ग्रेसियस गॉड हेल्प मी टू बी क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड मी यहाँ ये कहता है कि हे सर्वशक्तिमान अर्थात यहाँ ग्रेसियस जो है वो ग्रेसियस दयावान ईश्वर सदा सर्वदा के लिए रहने वाले आप मेरी सहायता करें ताकि मैं इच्छुक बनूं किसके लिए अबाउट द वर्ल्ड अराउंड मी उसको जानने के लिए जो विश्व हमारे चारों ओर हैं अर्थात विश्व को जानने के लिए हमें इच्छुक बनाए हेल्प मी टू बी प्रिपेयर फॉर द चैलेंजेस आई फेस ईच डे मुझमें वैसी शक्ति प्रदान करें मुझमें मुझे सहायता करें ताकि मैं उसके लिए तैयार हो सकूं कि जो मेरे प्रतिदिन का चुनौती है उस चुनौती का मैं सामना कर सकूं। हेल्प मी टू बी ओपन टू डिफिकल्ट टास्क मुझमें वैसी शक्ति बढ़ें जिससे मैं अपने टास्क जो हमें मिला है जीवन का वो कठिन से कठिन परिस्थिति को हम ओपन कर सकें सुलझा सकें हेल्प मी टू बी डिप हेल्प मी टू बी डिटरमाइंड टू कंप्लीट माई वर्क मुझे अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए उसमें निश्चितता की शक्ति प्रदान करें हेल्प मी टू बी रिस्पॉन्सिबल इन ऑल डू मुझे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाए, उत्तरदायी बनाए, जिसे मैं सभी कार्यों को का निष्पादन कर सकूं। हेल्प मी टू बी एक्सेप्टिव सॉरी हेल्प मी टू बी एक्सेप्टिंग ऑफ पीपल्स डिफ्रेंसेस मुझमें वैसी शक्ति प्रदान करें मुझमें ऐसी सहायता करें कि मैं लोगों के बीच जो है उन चुनौतियों को उनके अंतर को समझ सकूं उसे स्वीकार कर सकूं। हेल्प मी टू बी काइंड इन माई थॉट्स एंड वर्ड्स मुझे मैं वैसी शक्ति प्रदान करें जिससे मैं अपने विचार और शब्दों से दयावान बना रहूं। हेल्प मी टू बी अवेयर ऑफ माई टैलेंट्स और मेरे जो ज्ञान हैं मेधा है, उसके प्रति मैं सदैव सावधान रहूं, ऐसी मुझमें शक्ति प्रदान करें हेल्प मी टू बी माई सेल्फ टू बी द बेस्ट दैट आई कैन मुझमें वैसी शक्ति प्रदान करें जिससे कि मैं खुद से अपने जीवन का जो कार्य है उसको सर्वोत्तम ढंग से कर सकूं, उसका निष्पादन कर सकूं, और उसको करने में समर्थवान बनूं इस प्रकार से आपने देखा कि पोयम का क्या सार है अब हम देखते हैं आगे कि इसका वर्ड मीनिंग कैसे है इटरनल इटरनल मीन्स लास्टिंग फॉर एवर मतलब सदा के लिए जो अमर होता है उसे हम इटरनल बोलते हैं ग्रेसियस ग्रेसियस का अर्थ होता है दयावान मर्सी फूल तीसरा वर्ड है क्यूरियस क्यूरियस मीन्स होता है ईगर इच्छुक चैलेंजेस डिफिकल्टीज और टू कॉल टू फेस डिफिकल्टीज चुनौती चुनौतियां चैलेंजेस डिटरमाइंड डिसाइडेड डिटरमाइंड का अर्थ होता है किसी चीज पर अपने आप को स्थिर करना और वो यही सही है ऐसा सोचना वही डिटरमाइंड है रिस्पॉन्सिबुल आंसर आंसरेबुल रिस्पॉन्सिबुल आंसरेबुल इसका मतलब है उत्तरदायी इस चीज़ के लिए वो उत्तरदायी है आंसरेबुल है रिस्पॉन्सिबुल है एक्सेप्टिंग टू एडमिट किसी चीज़ को किसी में प्रवेश करा लेना उसको स्वीकार कर लेना यही एक्सेप्टिंग है अवेयर अवेयर कॉन्स मींस सावधान उसके प्रति जागरूक होना यही अवेयर है टैलेंट टैलेंट मीन्स इंटेलिजेंस अर्थात ज्ञान मेधा यही है इन शब्दों के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है और आप इसे याद कर लेंगे वर्ड मीनिंग को वर्ड मीनिंग आपका एच डब्ल्यू में रहा रिमेंबर ये वर्ड मीनिंग